शनिवार को हिमाचल प्रदेश में किसानों और बागवानों की अनदेखी के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने नारकंडा से बड़े जन आंदोलन की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि इस आंदोलन की शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने की। इस जन आक्रोश रैली में कुलदीप सिंह राठौर ने जमकर सरकार पर निशाना भी साधा। जो फल है वो नष्ट हुआ है और इस वक्त किसान और बागवान बदहाली में, जिस ढंग से जो कार्टन बक्से दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जो फंगासाइड है, इंसेक्टासाइड है, फर्टिलाइजर है, उसको जो है महंगा किया जा रहा है, तो ये एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है। और जो बागवानी मंत्री हैं उन्होंने इस क्षेत्र की सुध नहीं ली, मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र की सुध नहीं ली, तो कांग्रेस पार्टी ने आज जिस ढंग से प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, इस वक्त हम दूसरे नंबर पे हैं और महंगाई चरम सीमा पे, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, खाने पीने की वस्तुएं जो है महंगी हो रही है, जो डिपुओं का राशन है वो भी महंगा हो रहा है, तो इन सब मुद्दों को लेकर हमने जो है पूरे प्रदेश में फैसला किया है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कि हम जो है जन आक्रोश सप्ताह मनाएं।